हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉकों पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस हमें ओनली 80 रुपए के आप उसमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहां से आप लोग को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाती हुई देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इसका प्राइस हमें 400 के भी क्रॉस करके आगे जाती हुई देखने को मिला। हालांकि वहां से इस स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरावट शो किया, जिसके वजह से फिलहाल इसका जो प्राइस है 300 के अप्रोक्स में हमें यहां पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि फ्यूचर में इसका प्राइस फिर से हमें 400 के क्रॉस करके आगे जाती हुई देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ JSW एनर्जी लिमिटेड की रिगार्डिंग। स्टॉक अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में दोस्तों यहाँ पे 2% से एबव का हमें रैली देखने को मिला है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि दोस्तों हम बात करेंगे इसका इस स्टॉक का पिछली 1 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछली 1 मंथ में इस स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरावट शो किया है, जो कि आप लोग के सामने में। और दोस्तों बात करें पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में यहाँ पे 1% के अप्रोक्स में गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे पिछले 1 साल का इसका प्राइस का ग्राफ का दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो 20% से एबव का हमें फिलहाल हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों जब स्टॉक में हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरावट देखने को मिल रहा था, वहाँ पर भी हमने वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ से इस स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रैली शो किया, हालांकि फिर से इसमें काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों बात करेंगे पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस ग्राफ का, तो पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक में यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है, जो कि आप लोग के सामने में है। और दोस्तों बात करिए यहाँ पे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो सबसे अधिक दिनों में भी इस स्टॉक ने यहाँ पे 160% से एबव का मुनाफा दिया है, जो कि आप लोग के सामने में है दोस्तों। दोस्तों बात करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में हमें कितना परसेंट की खरीदारी होती हुई देखने को मिला है, तो यहाँ पे 40% के अप्रोक्स में यहाँ पे खरीदारी होती हुई देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों ए इंडिकेट कर रहा है कि हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिल सकता है। हालांकि बात करेंगे दोस्तों इसका 52 वीक लो एंड हाई का, तो स्टॉक ओनली हमें यहाँ पे 180 के अप्रोक्स में इसी साल जून में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, जो कि इसका हाई की हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें 400 का हमें हाई का फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 100 रुपये देखने को मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों बात करेंगे इसका क्वार्टर का रिजल्ट का, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका क्वार्टर का रिजल्ट भी हमें अपने आप में काफ़ी अच्छे खासा देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जून क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट का फिगर शो किया था, जिसकी वजह से इस स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा था। हालांकि फिलहाल हमें इंटायर सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से फिलहाल हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा खासा रैली शो किया है दोस्तों। दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस स्टॉक में यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग का, तो आप लोग के सामने में 75% के अप्रोक्स में यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इस साल का डिविडेंड का, तो यहाँ पे कंपनी ने इस साल डिविडेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से दिया है, जो कि आप लोग के सामने में है। और दोस्तों बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्रेस भी है, प्रमोटर का शेयर यहाँ पर हमें 14% के अप्रोक्स में यहाँ पे प्लेस देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे हमें 49,000 के आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि सारा का सारा फिगर दोस्तों यहाँ पे हमें करोड़ों में देखने को मिल रहा है। हालांकि हम बात करेंगे इस स्टॉक का सेक्टर कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे हमें रफली 14 के अप्रोक्स में देखने को मिल रहा है, जो कि इस स्टॉक का रेशियो सेक्टर कैपिटलाइजेशन से थोड़ा सा हमें यहाँ पे हाई देखने को मिल रहा है।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक का जो रेवेन्यू का फिगर है ये भी अपने आप में हमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। पिछली 5 ईयर का यहाँ पे फिगर है, एवरी ईयर कंपनी यहाँ पे काफी अच्छा खासा फिगर शो किया है। हालांकि बात करेंगे प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो इस साल का सबसे हाइस्ट यहाँ पे हमें प्रॉफिट या ग्राफ देखने को मिल रहा है जो कि आप लोग के सामने में। पिछले साल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रॉफिट का फिगर इस साल शो किया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पिछले 5 ईयर का यहाँ पे प्रॉफिट का फिगर है, एवरी ईयर कंपनी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रॉफिट शो किया है। दोस्तों इसका जो सेल्स का फिगर है, सेल्स का फिगर भी अपने आप में यहाँ पे हमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स में यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे इंक्रीमेंट के साथ में फिगर शो किया था। दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक में एफआई की होल्डिंग है, डीआई की होल्डिंग है। उससे पहले बात करें यहाँ पे प्रमोटर का, तो यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग भी हमें अपने आप में यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। 75% के अप्रोक्स में होल्डिंग है, जो कि एफआई की होल्डिंग भी यहाँ पे एक हमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। जो कि डीआई की होल्डिंग की हम बात करेंगे तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग भी यहाँ पे हमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न अपने आप में काफी अच्छा खासा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। फ्यूचर में फिर से इसमें काफी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अगर इस स्टॉक में यहाँ से थोड़ा बहुत हमें और गिरावट देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 240 के अप्रोक्स में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 400 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, स्टॉक अपने आप में काफी अच्छा खासा है। दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।